हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? जैसे कि आप सबको पता है कि आमों का सीज़न चल रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सीजनल फ्रूट्स के हिसाब से अच्छी अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो मैंगो की एक मिल्क शेक की रेसिपी है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा शाम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो मैंगो है, 2 अदद क्यूब में कटे हुए हमने लेने हैं, 2 अदद मैंगो। फिर 1 ग्लास मिल्क का चाहिए, 2 चम्मच क्रीम चाहिए होगी, 2 चम्मच हमें दही चाहिए होगा, और 2 चम्मच जो है हमें चीनी चाहिए होगी, या हसबे जायका आप जैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें से जो हमने अपने कटे हुए आम थे वो डालेंगे। अच्छा, मेरे जो ये मैंगो है ये फ्रीज़ किए हुए हैं, तो इसलिए मैं बर्फ़ ऐड नहीं कर रही। आप जो है इसमें बर्फ़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन ये कि चूँकि फ्रीज थे मैंने नहीं ऐड की। उसके बाद ये दूध भी ठंडा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने 1 ग्लास दूध यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच जो है वो क्रीम डाली है, 2 चम्मच दही और 2 चम्मच जो है वो चीनी डाली है। जब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया हमने, फिर हमने इस तरह ग्लासेस को गार्निश किया, वही मिल्क पे क्रीम जो हमारे पास पड़ी हुई थी। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप घर की जो हमारे दूध से जो बलाई बनती है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ें आपके साथ घर में मौजूद होती हैं ये उसी से बनेगा। बर्फ़ ऐड करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीज थे तो मैंने इसलिए ऐड नहीं की। आप ज़रूर क्रश जो बर्फ़ होती है वो यूज़ करें, क्रश से उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब हम इसको इस तरह बलाई से फिर से टॉप करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी जूस है, और मेरे जो भाई हैं वो जो जिम कर रहे हैं वो इसको ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही एक हेल्दी डेजर्ट है। मेरे पास थोड़ी सी विप क्रीम पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे इसको गार्निश कर लूँ। आपके पास नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप जो है कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले लें, उससे इसकी टॉपिंग करके इसको मज़ीद खूबसूरत और हेल्दी बना सकते हैं। ये लें, एक बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी मिल्क शेक आपके लिए तैयार है। अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट और एक बहुत ही अच्छी मैंगो की रेसिपीज़ के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।